आज की तारीख में हर दूसरा आदमी मोटापे से परेशान है। मोटापे को कम करने के लिए लोग तरह तरह के डाइट फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, वीगन डाइट और ना जाने किस तरह की चीजों को अपना रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वजन को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि मोटापे के कारण कई तरह की अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसमें डायबिटीज और थायराइड शामिल है। यहाँ तक कि मोटे लोगों को थकान, एनर्जी की कमी और फुर्ती की कमी हो जाती है। इस तरह की कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। वहीं कुछ लोग अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए गोंद कतीरा का उपयोग कर रहे हैं। गोंद कतीरा कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई हेल्दी पोषक तत्वों से भरपूर है। वहीं चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या गोंद कतीरा खाने से वजन कम होता है और इसके खाने का तरीका क्या है। गोंद कतीरा का सेवन वजन कम करने के लिए किया जा सकता है। दरअसल गोंद कतीरा में ऐसे तत्व होते हैं जिसका सेवन करने से लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास होता है। इससे न सिर्फ आप ओवर डाइटिंग से बच सकते हैं, बल्कि बिना वजह मंचिंग की आदत से भी छुटकारा मिल सकता है। इस तरह देखा जाए तो वेट कंट्रोल करने में ये आपको मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो गोंद कतीरा में फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता। इस तरह गोंद कतीरा का सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है और मीठा खाने की क्रेविंग को रोकने में भी मदद मिलती है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि मीठा खाने से वजन बढ़ सकता है। गोंद कतीरा में कैलोरी भी कम होती है, इसलिए इसका सेवन करने से वजन बढ़ने का रिस्क कम होता है। वहीं अब चलिए आपको बताते हैं कि वजन कम करने के लिए गोंद कतीरा का सेवन कैसे करें। वजन कम करने के लिए गोंद कतीरा का सेवन करना फायदेमंद होता है, हालांकि इसे सही तरीके से कंज्यूम करना जरूरी होता है। इसके लिए आप रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो कर रखें। इससे गोंद कतीरा जेली जैसे बन जाएगा। इस जेली को आप दूध, पानी या जूस में मिक्स कर पी सकते हैं। आप चाहे तो स्मूदी में भी गोंद कतीरा मिक्स करके पी सकते हैं। इससे वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। तो आप भी इस तरीके से गोंद कतीरा का सेवन कर अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।